हेलो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैमबी तंसु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई फेस पैक, कोई होम रेमेडी, कोई भी फेस वॉश नहीं शेयर करने वाली, बिकॉज आज मैं आपको होली से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी कि किस तरह आप होली खेलते समय अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा सेफ कर सकते हैं, जिससे आप जो होली में खेलेंगे उस कलर का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं रहेगा। आपकी स्किन वैसे की वैसी रहेगी जैसे आपकी स्किन पहले ब्राइट करती थी, और आप होली भी अच्छी तरह खेल सकते हैं। गाइस क्या होता है, गाइस जिस तरह होली आ रही है ना, तो हम होली खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं, या कह सकते हो आप इतना एंजॉय करने में उसे लग जाते हो कि आपको पता नहीं होता कि जो हार्मफुल वो कलर है वो आपकी स्किन को कितना ज्यादा साइड इफेक्ट उसका पड़ेगा, आपकी स्किन कितनी ज्यादा उसे बर्न हो सकती है। आजकल के जो मार्केट में गाइस कलर आए ना, ट्राई करें आप उन्हें ना खेलें। अगर आपको खेलना है तो आप गुलाल से खेलें, क्योंकि गुलाल उतने जिद्दी नहीं होते और वो आपके फेस या स्किन पे उतनी देर स्टे नहीं करेंगे, बहुत ही जल्द वो छूट जाते हैं। बट जो कलर होते हैं गाइस ना, जब उन्हें हम खेलते हैं तो क्या होता है, वो हमारे फेस या हमारी स्किन पे इतनी बुरी तरह लग जाते हैं ना, उन्हें जब हम रिमूव करते हैं तो वो छूटते नहीं हमारे फेस से। तो उससे पहले आपने क्या करना है गाइस, आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है और अपनी पूरी बॉडी पे अच्छी तरह उसका मसाज कर लेना है। जब भी आपने होली खेलना है तो होली खेलने से पहले ट्राई करें कि आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है और उसे अच्छी तरह अपनी पूरी बॉडी पे मसाज कर लेना है। फिर आप होली खेलेंगे गाइस ना, तो क्या होगा कि जो आप कलर होंगे उनका असर आपके फेस स्किन पे नहीं होगा, चाहे वो फेस हो लैग हो, पूरी बॉडी पे लगाए रहेंगे तो उसका असर आपके बॉडी पे नहीं होगा, आपकी स्किन पे नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि जो कलर होंगे ना वो आपकी स्किन से स्लिप कर जाएंगे। जो ये हम ऑयल यूज करेंगे गाइज ना, तो वो हमारी स्किन को एक तरह से हमारी स्किन पे एक लेयर सा बना देगा, जिससे हमारे स्किन पे जो भी कलर होंगे वो स्टे नहीं करेंगे, वो बहुत ही जल्दी गाइस रिमूव हो जाएंगे। जब भी हम उन्हें छुड़ाएंगे बहुत ही जल्दी वो फिसल से जाएंगे, आपकी स्किन पे वो चिपकेगा नहीं, तो इसका साइड इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होगा। और गाइस आपने बालों में तो लगाना है ही लगाना है, मैंने जिस तरह आपको बताया, अगर आपके बाल लंबे हैं, अगर नहीं लंबे हैं छोटे हैं तब भी आप ट्राई कर सकते हो, आप अपने बालों में लगा सकते हो। बट जब भी आपने होली खेलना है तो कोकोनट ऑयल लेके अपनी पूरी बॉडी में उसका मसाज कर लेना है। एंड अगर आप इसे लगाना भूल जाते हैं मस्टर्ड ऑयल, वैसे ही बिना कोकोनट ऑयल लगाए ही मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो गाइस, कोई इसमें वो नहीं है, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, कोई आकर हमारे फेस पे डाल देता है कलर्स वगैरह, उस समय हम ऑयल नहीं लगाए रहते हैं। तो क्या करना है गाइस, अगर वो कलर बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ही डार्क है, अगर आपकी स्किन से बहुत ही बुरी तरह आपकी स्किन में चिपक गया, तो आपने क्या करना है, उसे बार बार आपने रब नहीं करना, आपने उसे ऐसे रब नहीं करना है, क्योंकि अगर रब करेंगे तो उससे आपकी स्किन हार्म होगी। क्या होगा ना कि हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो बीच से फटने लगते हैं। कई बार इतना बुरा असर होता है गाइस ना, कि जो हमारी स्किन फटती है उसमें से हल्के हल्के ब्लड आने लगते हैं। तो आप उसे वैसे ही रख दें, उसे वैसे ही रहने दें, और ट्राई करें कि आप उसे जब भी आपने उसे वॉश करना हो ना, तो कोई भी ऑयल लेके आप अपनी स्किन पे ऐसे ऐसे रब करें और अच्छी तरह उसे वॉश करें। बार बार आप साबुन भी ना लगाएं, क्योंकि साबुन लगाएंगे तो उससे भी आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होगी। ना तो आपने कोई फेस वॉश यूज करना है, ना ही कोई ट्राई करें आप कोई साबुन यूज करें, क्योंकि जब भी उसे यूज करेंगे गाइज ना, आप दो चार बार किसी जगह आप अपने फेस पर या अपने हैंड पर साबुन जो होता है ना उसे लगा कर देखेंगे, सॉप वगैरह को, अगर दो चार बार आप उसे रिपीट करते हैं तो आपकी स्किन वहां पर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें, आप सिंपली आपने कोकोनट ऑयल जो भी ऑयल यूज करते हो उसे लेकर के आपने जहां पर आपके कलर लगा है वहां पर आप उसे रब करें, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको वो छूट जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल सेफ बची रहेगी, आपकी स्किन पे कोई निशान नहीं आएगा, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई नहीं होगी, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस, और बहुत अच्छी तरह बहुत ही इजीली आपके फेस से आपकी स्किन से कलर निकल जाएंगे। तो आपने किस तरह अपने फेस पर लगाना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और ट्राई करें जब भी आप होली खेले गाइस ना, जो भी आप कपड़ा पहने वो कॉटन का कपड़ा हो, जिससे जब भी आपके ऊपर कोई कलर डालेगा तो वो जो कॉटन कपड़ा रहेगा ना वो आपके कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें कलर के जो केमिकल्स वगैरह होंगे वो ऊपर ही आ जाएंगे। एंड सेकेंड, आप अपने कपड़े को अगर काफी देर तक आप होली खेल रहे हैं तो ट्राई करें आप अपने कपड़े को भी एक दो बार चेंज कर दें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह मैं अपने फेस पर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ और आपने किस तरह इसे अप्लाई करना है। देख सकते हैं गाइस, मैंने अपने मेकअप को बिल्कुल रिमूव कर लिया, मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है। उसके बाद आपने लेने हैं ना कोकोनट ऑयल, आप इसकी क्वांटिटी बाउल में निकाल कर ले सकते हैं, बट अभी मैं अपने फेस पे अप्लाई करके आपको बताऊंगी। उसके बाद इस तरह आपने लेना है, ये मैंने ले लिया हाथ पे गाइस। उसके बाद टैप टैप करके आप देख सकते हैं अपने फेस पूरे फेस पर और हाथ पर अच्छी तरह आपने लगा लेना है, जहां जहां आपको लगाना है। आपने थोड़ा सा ना ज्यादा ऑयल लेना है और लगाना है। अभी आप देख सकते हैं इस तरह हाथों पे पूरे हैंड पे अपने आपने लगा लेना है। ट्राई करें फुल कपड़े पहने, आप हाफ स्लिप के कपड़े ना पहने, जिससे आपके हाथों पर या आपकी स्किन पर ज्यादा ना कलर वगैरह ना लगे।
इस तरह आपने गाइस लगा लेना। अभी देख सकते हैं मैंने अपने फेस पर पूरे लगा लिए हैं। उसके बाद अच्छी तरह आपने इसे मसाज कर लेना। मैं अगेन फिर से कह रही गाइस, जितना ज्यादा ऑयल लेंगे अपने फेस पर लगाएंगे तो उतना ही कलर का बिल्कुल असर नहीं होगा। ये नहीं आपने बिल्कुल हल्का सा लेना अपने फेस पर लगा लेना अपनी स्किन पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन को नहीं होगी। तो आप ट्राई करें थोड़ा ज्यादा ले और अच्छी तरह आपने इसे लगा लेना अपने फेस पर। ये देख सकते हैं मैंने कितना ज्यादा सा लिया था और इसे अपने पूरे फेस पर लगा लिया। कैसे इसे जब भी कलर आपकी स्किन पे पड़ेगा ना गाइस, तो आपकी स्किन पे वो चिपकेगा नहीं, वो ऑयल के ऊपर ही रह जाएगा। और जब भी आप रिमूव करेंगे ना ऐसे, बहुत ही इजीली वो रिमूव हो जाएगा। कुछ भी लेके कोई भी साबुन वगैरह से एक ही बार में जैसे आप उसे वॉश करेंगे ना, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। या आप ट्राई करें आप किसी कॉटन कपड़े से ले रहे, उसके बाद आप ऐसे उसे अगर क्लीन करेंगे ना तो भी बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा। बार बार आपको फेस वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी गाइस, आप बहुत अच्छे से ऐसे एक ही बार में उसे क्लीन कर सकते हैं। कॉटन की हेल्प से भी आप उसे क्लीन कर सकते हैं। बट ये एक चीज का आपने ध्यान देना है, वो आपने क्या करना है, अपने ऑयल अपनी बॉडी पे अच्छी तरह लगा लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस मैंने लगा दिया और अच्छी तरह मैंने इसे अपनी फेस पे मसाज कर दिया है, जिससे अच्छी तरह हमारी स्किन पे ये सेट हो जाएगा गाइस। और अगर आप चाहें तो आप इसे डेली बेसिस पे नाइट को सोते टाइम भी इसे आप लगा सकते हैं। अगर नाइट क्रीम आप नहीं यूज कर सकते तो कोकोनट ऑयल लगा लें, ये भी किसी नाइट क्रीम से कम नहीं है गाइस। इससे भी आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी और बहुत ग्लोइंग रहेगी। तो इस तरह गाइस आप इसे लगा सकते हैं और अपनी स्किन को सेफ रख सकते हैं। गाइस आप इसे लगाकर अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा सेफ रख सकते हैं और होली को भी इंजॉय कर सकते हैं या उसका मजा उठा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।